हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की क्लास में हम 10th क्लास का एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर का हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके लिए पार्ट वन वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, वो है इंडक्टर्स। मीन्स हम यहाँ पर इंडिकेटर्स देखेंगे। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ पर सभी टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और एक और है जो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक उसका इससे ही रिलेटेड है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। सभी टॉपिक यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर आएंगे, क्लियर समझ में भी आएंगे, और आपको एसिड बेस में इजिली आपको क्या कहते हैं डिफरेंस भी पता चल जाएंगे, कैसे हम इंडिकेटर की हेल्प से उन्हें पता कर पाएंगे कि कोई भी सब्सटेंस इंडिकेटर की हेल्प से एसिड है या बेस है। होप सो वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के सभी लेटेस्ट पार्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो ये डिस्कस करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और हम यहाँ पर इस चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सम एलिमेंट्स। लाइक हमारे पास टोटल अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, तो हमारे पास 115 के अप्रोक्स में एलिमेंट है, जिनको टोटल उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हैं। इन तीनों ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नहीं कि फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड्स एंड बेस। अब इन दोनों को कैसे डिस्कस करेंगे, अगर मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये एसिड है या बेस है। सो यहाँ पर हमारी एक टर्म्स हमारे डिस्कस करने के लिए एक छोटी सी टर्म्स है जो हमारी हेल्प करने वाली है कि वो हमारी हेल्प करें कि आइडेंटिफाई हम इजिली कर सके कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पर इंडिकेटर, या फिर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसकी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है। अब इंडिकेटर्स होते क्या है, इंडिकेटर्स इज अ डाई दैट कैन कंक्लूड दैट गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। यानी क्या है, हमारे पास एक डाई होती है छोटी सी, और ये डाई क्या हेल्प करती है हमारी किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिडिक है, बेसिक है। सो हमारे पास पता लगा तीन हमारे पास कैटेगरीज है जिनमें सबसे सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करा गया है, किस बेसिस पे डिवाइड करा गया है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उन्हें डिवाइड करा गया है। ठीक है, तीनों को, अब तीनों की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड और बेस की, क्योंकि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़े से एक दूसरे से थोड़ी सी उल्टा होती है, रेसिप्रोकल्स होती है, तो डिफरेंसेस थोड़े अच्छे हैं कि इजीली हम इनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एसिड और बेस को पहले डिस्कस कर रहे हैं, फर्दर अपनी आने वाली वीडियोज में हम सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो एसिड बेस में हम यहाँ पर सबसे पहले उन्हें क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनके एक टॉपिक इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर क्या होता है पता चल गया, डाई होता है, ये हमारी हेल्प कहाँ करता है, दोनों ही सब्सटेंसेस में उनके कलर को चेंजेस कर। अब इंडिकेटर जो डाई होता है वो इंडिकेटर क्या करेगा, हमारे पास मैं आपको बता दूँ एक पेपर होता है, हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले से मैं ये बताऊँ। अब इंडिकेटर्स क्या करता है, अपने कलर को चेंजेस कर हमें ये बताएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। कलर में जैसे ही चेंजेस होगा तो एसिडिक बेसिक का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 मेन और बेसिक इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फैथिलीन, ये सब बेसिक है। लेकिन यहाँ पर मैंने उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, सिंथेटिक कौन से होते हैं, और ऑल फैक्ट्री कौन से होते हैं। ये सभी 3 टाइप्स के मैं इंडिकेटर्स में सारे एक ही बारे में कवर हो जाएंगे। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार इससे पूछा गया और पूछा भी जाएगा, और इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए डिस्कस करते हैं कितने टाइप के मेरे पास इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से नए नए केसेस आने पर वो कैसे कलर चेंजेस करते हैं, और एसिडिक और बेसिक बिहेव कैसे कैसे दिखाते हैं। तो देखते हैं इंडिकेटर्स। सो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर इंडिकेटर्स चेक करते हैं कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप को और है, एक और है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, लेकिन वो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पीएच स्केल पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। जब हम आपके साथ पीएच स्केल डिस्कस करेंगे, जब वहां पर हम आपको एसिड और बेस का डिफरेंस बताएंगे, तब वहां पर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं कितने टाइप के, मैंने सभी यहाँ पे मेंशन कर दिए, जबकि टाइम का मेरे पास टाइम को कंज्यूम करने के लिए जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। पहला मेरे पास कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हम बहुत सारे पढ़ सकते हैं, एग्जाम में डिफरेंट भी आ सकते हैं। मैंने लिखा है लिटमस पेपर और टर्मरिक, जिसे हम हल्दी भी बोलते हैं, ये ज्यादातर रिपीट होते हैं, ज्यादा यूजफुल इसलिए ना, आप रेड कैबेज है, लौंग वोंग बहुत सारी चीजें अलग अलग आते हैं, एक लीचेंस का पेड़ आता है उसके भी थोड़ा सा ट्री है, उसके भी थोड़ा से यूज है। मीन्स यहाँ पर मैंने ये दोनों लिखे हैं, दोनों मेन है, नेचुरल में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथिलीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए, 1, 2, 3, ये तीनों कितनी बार रिपीट हुए एग्जाम में, 1 मार्क्स में काफी बार पूछे जाते हैं। फोर्थ कौन सा हमारे पास, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑनियन और वेनिला, ये इजी है बहुत ज्यादा, ऑनियन और वेनिला इंपॉर्टेंट कौन कौन से, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फैथिलीन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अब पढ़ते हैं पहला नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स 2 टाइप के हमारे पास, लिटमस और टर्मरिक।
लिटमस पेपर आपने देखा होगा, आपको अपने लैब में भी जाएंगे, लैब में सर आपको एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह पेपर प्रोवाइड करेंगे, वो पेपर जो होगा उसी लिटमस पेपर बोलते हैं। वो करता क्या है, एसिड ब्लू कलर का आपके हाथ में अगर लिटमस पेपर है तो ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ जाएंगे वो सॉल्यूशन जिसमें आपने टच करने पर। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास लिटमस पेपर है और ये ब्लू कलर का है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में डिप किया तो ब्लू कलर देखा मैंने किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया, तो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है सर आपके पास। अगर बेसिक होता और आपके पास लिटमस पेपर रेड कलर का है, रेड वाला बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बेस के ब्रैकेट में मैंने लिखा एल्कली, एल्कली किन्हें बोलते हैं, जो वाटर सोल्यूबल जितनी भी हमारे पास वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज हैं वो सब एल्कली होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एटम्स वन मार्क्स में काफ़ी बार, ये वन मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी बार देखने में मिला है। जैसे कि आपको पता होगा 10th क्लास की इस बार वैसे भी एग्जाम्स का सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया CBSE का, तो वन मार्क्स के मतलब कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस की स्किल्स बढ़ गई है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए आपको डीप रीडिंग करने की भी नीड यहाँ पर ज़्यादा है। तो समझ में आया लिटमस पेपर का प्रोसेस। ऐसी बात करते हैं टर्मरिक, हल्दी जिसे बोलते हैं, वो येलो होती है नेचर से, नेचुरली येलो होती है, हमने देखी भी है येलो, एसिड में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बेस सॉल्यूशन में वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, रेड में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कैसे, अगर आपके पास कोई भी व्हाइट कलर की कोई शर्ट है उस पर अगर थोड़ी सी भी करी है, मतलब रात को खाने की जैसे करी गिर जाए और उसे अगर सुबह को बेस साबुन से अगर उसे धोया जाए तो आप देखेंगे उसे रेड ब्लड की तरह निकलेगा, ये सोचेंगे ये क्या हुआ, ब्लड कैसे निकला, तो सेम वैसे ही साबुन जो होता है हमारे पास, सॉप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और रेड में कन्वर्ट हो जाता है अगर टर्मरिक आपके पास हल्दी वाला पेपर, यानी कि हल्दी वाला आपके पास लिटमस वाला इंडिकेटर वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सो दोनों ही ईजी है और दोनों यूजफुल भी, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको एक चीज़ और, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लिटमस पेपर में रेड और ब्लू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता दूँ, B4 बेस, B4 ब्लू, यहाँ पर याद रखना है। फिर ये ब्लू यहाँ क्यों आया, सर ये रेड को ब्लू में करता है या ब्लू को रेड में, जो यहाँ पर लिखा है वो कन्वर्ट होकर आया, रेड से ब्लू बना तो बेस ब्लू बनाता है, ना कि ये बेस ब्लू लिखा है तो ब्लू से रेड बना गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेस हमारे पास ब्लू है तो इसका मतलब क्या है, रेड कलर का लिटमस पेपर था, बेसिक सॉल्यूशन में जाने पर उसने ब्लू कलर कर दिया रेड का, तो मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा, ये रेड है एसिडिक, ये याद हो ही गया। थर्ड पे आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और फिनोलफेथिलीन, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका नाम थोड़ा सा डेंजरस होता है इसलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो इसलिए एग्जामिनर से बहुत बार पूछता है। मिथाइल ऑरेंज कैसा, रेड कलर दिखाता है एसिडिक में और बेस में येलो कलर, याद रहने वाला कॉन्सेप्ट है, इजी भी है। फिनोलफेथिलीन नेचुरली कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन एसिड में कलरलेस है, जैसे जैसे बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन अगर मिक्स करेंगे तो कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, तभी समझ जाएंगे जिसके साथ हमने इसे मिक्स करा है वो बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये हमने देखे भी हैं, ऑनियन को हम कैसे मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे, इसकी स्मेल से, तो ऑनियन जो स्मेल होगी वो एसिड सॉल्यूशन से, एसिड सॉल्यूशन अगर मैं किसी भी ऑनियन वाला मेरे पास कोई भी सब्सटेंसेस है और एसिड वाली कोई भी चीज़ में मिक्स करते हैं तो ऑनियन स्मेल नहीं जाएगी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, खत्म नहीं हो सकती, ऑनियन स्मेल आपको आती रहेगी फिर भी, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में अगर मिक्स करते हैं कांट डिटेक्ट, मतलब ऑनियन स्मेल आपको आना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसी बात करते हैं वेनिला, इसका सेकेंड हमारे पास इंडिकेटर है क्या है, वेनिला भी सेम इसी की तरह वर्क करता है, तो ऑल फैक्ट्री आपको इजीली लर्न हो जाएगा, इसमें भी वेनिला स्मेल आती रहेगी आपको, मैंने बताया एसिड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन होगा तो आपके पास वेनिला स्मेल आना बंद हो जाएगी, इजी है ये, आपने सुना भी होगा ऑनियन स्मेल का, आप थोड़ा सा जो लोग ऑनियन जैसे खाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो कुछ बेसिक सॉल्यूशन लें तो उसकी क्या कहते हैं स्मेल आना बंद हो जाती है। सो आपके लिए ये सभी इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, होप्स आपको सभी अच्छे से पसंद भी आए होंगे। एल्कली इसका मेन टॉपिक था वन मार्क्स में, क्यों, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है, बेसिक मैंने जितने भी डीप वन मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं लगभग, इस पोर्शन में से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर है। वीडियो आपको पसंद आई, बिल्कुल लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के लेटेस्ट पार्ट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, CBSE की लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक्स।